Lisa. के फुटपाथ छाप मेरी बेटी की बराबरी करना चाहता है। इसकी औकात ही क्या है जो ये मेरी बेटी के साथ खेले। आज इसकी वजह से मेरी बेटी बीमार हुई, बुखार में तप रही है। आइंदा मैंने इसे अपनी बेटी के साथ देखा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। आज इसकी वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई, बुखार में तप रही है। पिंकी को तेरे पास लाया हूँ, इसे अच्छा कर दीजिए।
अगर तूने मेरी पिंकी को अच्छा नहीं किया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। मेरी पिंकी को अच्छा कर दीजिए भगवान, मेरी पिंकी को अच्छा कर देना भगवान। बेहोश हो गई थी ना, देखो भगवान ने तुम्हें अच्छा कर दिया। अच्छा देखो जी, हम लोग आज ही वापस जा रहे हैं, पिंकी के सारे कपड़े पैक कर देना। करण करण, पिंकी हम आज ही मुंबई जा रहे हैं। जब भी चली जाती हो तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तो तुम ये रख लो, जब भी मेरी याद आए तो इसे देख लिया करना, इसमें मेरी फोटो भी है। अरे वाह, इसमें तो म्यूजिक भी बजता है, बहुत अच्छी घड़ी है, इसे मैं अपने पास से कभी अलग नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो? एक मिनट, ये लो, जब भी मेरी याद आए तो भगवान से प्रार्थना करना कि हम मिल सके। भगवान, पिंकी इस साल भी नहीं आई, मैं उसे बॉम्बे ढूंढने जाऊं तो कैसे जाऊं? वहां तो मेरा कोई भी नहीं है, अब तू ही कोई रास्ता दिखा दे भगवान। अरे मल्होत्रा जी, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। इस बार कई महीनों बाद आना हुआ आपका। हाँ भाई, यहाँ तो काम से आना होता है, सरस्वती संगीत विद्यालय में हारमोनियम की डिलीवरी देकर आ रहा था तो सोचा पूजा करता चलूं। ये लड़का कौन है? यतीम है बेचारा। पंडित जी, खबरदार जो किसी बच्चे को यतीम कहा दो, ये घिनौना नाम इन बच्चों को हम ही नहीं दिया हुआ है। माना कि दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, मगर इस दुनिया में करोड़ों माँ बाप ऐसे भी हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है। अगर ऐसे माँ बाप ऐसे बच्चों के सर पे हाथ रख दें तो दुनिया से यतीम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
क्या नाम है बेटे तुम्हारा? जी करण। नहीं बेटा, तुम्हारा नाम ऐसे करण नहीं, करण मल्होत्रा है। मेरे साथ बॉम्बे चलोगे? बॉम्बे? हाँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम। आने दो भैया को, छोड़ने वाली नहीं मैं उनको। हाँ बेटा, आज तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना। आप तो बोलिए माता पापा, आपने ही चढ़ा रखा है भैया को। मैंने नहीं, ये तुम्हारी माँ ने। हाँ पापा। अच्छा अच्छा, आ जाए तो उसकी अच्छी तरह से खबर ले लेना। हाँ हाँ, खबर तो मैं लूंगी ही, लेकिन प्लीज आप लोग बीच में मत पढ़ना। नहीं नहीं, हम लोग तो बीच में पढ़ते ही नहीं, हम लोग तो साइड में पढ़ते हैं। प्रिया, हे प्रिया। मर गई प्रिया। खबरदार जो तूने आइंदा ऐसी बात बोली तो। क्यों ना कहूँ, आज राखी है and I'm sure you've forgotten। अरे बाबा, मैं तेरा गिफ्ट खरीदने में लेट हो गया। Excuse me, I want to see कि आखिर ये ऐसी कौन सी गिफ्ट है जैसे लाने वक्त तुम हो गए लेट। छह महीने पहले तूने पसंद किया था ना? हाँ, पर मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन तेरी पसंद तेरा भाई कैसे भूल सकता है? पर भैया, ये तो एक्सपेंसिव था। इतने पैसे आपके पास कैसे आए? क्यों? डैडी क्या मुझे खर्चा नहीं देते? वही छह महीने से जमा कर रहा था। अरे अभी देखते ही रहेगी या राखी भी बांधेगी? हाँ, नहीं इसको ऐसे होल्ड कीजिए, फिंगर्स यहाँ पर लगाओ और बजाओ। ट्राई इट। या इट्स प्रीटी नाइस। हेलो, वांट टू बाय? या ऑब्वियसली। एक्सपेंसिव। या बट इट्स गुड। चीप। वाइफ। या व्हाट आर यू डूइंग? Yeah, just hold it this way, from below. Okay. Yeah. Yeah. For husband! Your phone is ringing, yaar. Your phone! He's mad, yaar. Just a second, I'll be back. Okay. Yeah. I think he's mad. Phone lo, yaar. Hello? Haan, Sapna? Kya hai? Jaake customer attend karo. Hichki aa rahi? Clap! Haan, Sapna. Paise mil gaye, na? क्यों घबरा क्यों रही हो? अरे मैं हूं ना। हाँ बाबा, हाँ मैं मंडे को आ रहा हूँ, 100% आ रहा हूँ। चलो बेटा, बहुत देर हो गई, तू दुकान जल्दी बंद कर गया ना। ओके, हम लोग चलते हैं। हाँ जल्दी आना। जी बाबूजी। मैं घूमचू, दरवाजा खोल। बाबूजी, डैडी खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा। बाय बाय। चलो। देखिए, आप चाहे जितने पैसे ले लीजिए, लेकिन मेरी घड़ी मुझे वापस दे दो प्लीज। ए, बहुत माल है ये, कम है तो ये लो, ये लो, ये चेन भी ले लो, लेकिन ये घड़ी मुझे वापस दे दो प्लीज। लगता है घड़ी बहुत कीमती है, देखना पड़ेगा अब आप। अच्छा तो ये बात है, ये फोटो किसका है? ये मेरे बचपन का प्यार है। बचपन का प्यार? जवानी में तो ये कयामत ढा रही होगी। बाप Oh!
ले अपना माल ले बा। पिंकी, तुम्हें और तुम्हारे प्यार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। होती है बेटी, क्या हर साल तुम इस तरह धूमधाम से दिवाली मनाती हो? हमें तो ऐसा लगता है हम यहाँ परदेश में नहीं अपने देश में हैं। देखिए ना, यहाँ इतने इंडियंस रहते हैं, मगर हमारी पूजा ही एक ऐसी है जो सारे इंडियंस को इकट्ठा करके हर त्योहार ऐसे ही मनाती है।
कभी अपना कल्चर नहीं भूलती। एक बात बताइए आंटी, जब अंग्रेज हमारे देश में जाते हैं तो क्या वो अपना कल्चर भूल जाते हैं? नहीं। तो फिर हम क्यों इनके देश में रहकर हमारा कल्चर भूलें? शाबाश बेटी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दिवाली मुबारक हो पिंकी। करण, ए करण, चल चल चलना। कोसता उस मनुष्य घड़ी को जब उसने तुम्हें यह घड़ी दी थी, उस घड़ी से हर घड़ी तुम इस घड़ी को अपने दिल से लगाए रहते हो। तूने कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए तू क्या जाने। मैं तो ऐसा प्यार करता ही नहीं हूँ जिसमें प्यार का तब पता ही ना हो। और बाबूशाय, आपके इस प्यार से ना तो भगवान ही बचाए, आज तक तुम उसे दिलो जान से चाहते हो, यहाँ तक के उसे मिलने के लिए हर साल उस मंदिर में भी जाते हो। बताओ, मिली तुम्हें? जरूर मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है, एक ना एक दिन पिंकी मुझे जरूर मिलेगी। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अरे यार, हेलो। अरे सपना, मैं तुम्ही को याद करा, तुम्हारा फोन आ गया। नहीं नहीं नहीं, लंच नहीं, लंच नहीं, लंच मैंने अपनी बीवी के साथ करने का वादा किया है अगले मंडे को, क्योंकि मंडे को मैं काम नहीं करता। मैं हेलो हेलो हेलो, कैसे लग रहा हूँ मैं? मैं देख रही हूँ बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे हैं। बुढ़ापा? क्या बात करती हो, जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो उसको जिंदगी में कभी बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। बुढ़ापा आके चला जाएगा और हम जवान की जवानी रहेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आज छुट्टी के दिन यूं बनसंवर कर कहां जा रहे हो? अरे भाई, छुट्टी का दिन है, जरा लोगों से मिल के आता हूँ, लंच तुम्हारे साथ डेफिनेट करूंगा। ये लो, अभी तुम्हें जवान हूँ। हाय राम। अभी तुम्हें जवान हूँ। अभी तुम्हें जवान। क्या हुआ माँ? बेटा, तेरे डैडी को बुढ़ापे में मुहासे आ रहे हैं, अपने सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होना चाह रहे हैं। क्या मतलब? बेटा, उनके रंग ढंग तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, खर्चे भी कितने बढ़ा लिए, पता नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, घबराहट हो रही है। गायत्री, गायत्री। स्वामी, आ गए आप? जी। ये कौन है? ये सपना है। सपना? मेरी सपना, जिसे मैं साकार करके आया हूँ। हाय राम। आज मैं शेरवानी में कोर्ट मैरिज करके आया हूँ। आओ सपना। ओके। नहीं। ये आज से यहीं रहेंगी और तुम दासी बनकर सारी जिंदगी इनकी सेवा करोगी। नहीं, मैं अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने को आग लगा दूंगी। वेरी गुड। आप अपने को आग लगा लेंगी तो मैं अपनी ये माला उतार कर आपकी फोटो पर चढ़ा दूंगी और आपका ये मंगलसूत्र मैं अपने गले में पहन लूंगी। बाबू जी, ये आपने किया क्या बाबू? जल्दी में हूँ, I'm sorry. Shut up. जल्दी में हो तो क्या इसका मतलब गलत रास्ता चूज करोगे? लाइसेंस निकालो। लाइसेंस का क्या करेंगी आप? तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी,
देखिए देखिए, अभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? अच्छा, एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट करूंगी। लाइसेंस निकालो। ऑटो, मेरे पास ऑटो भी था। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मेरे बाकी बचे महीने के सारे पैसे उस पर्स में थे। अब मैं इंटरव्यू में कैसे पहुंचूंगी? डोंट वरी, मैं आपको पहुंचा देता हूं। तुम नहीं पहुंचाओगे तो और कौन पहुंचाएगा? अरे ओह, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। जरा बाइक की चाबी दो। क्यों? कान खुजाना है इसलिए। तुम भाग ना जाओ इसलिए। किस मुसीबत में फंस गया? और तुम्हारे कहने का मतलब है चैनल सिंह के चैनल 9 दे वास्ते तुमने इतने इंटरव्यू लिए और तुम्हें एक भी लड़की नहीं मिली? सॉरी सर। और चुप कर यार, यानी पूरे हिंदुस्तान में पूरी विदाउट परमिशन अंदर आने के लिए आई एम रियली सॉरी सर, पर क्या करती सर, मेरे करियर का सवाल था सर। मैं तो टाइम पर आ जाती, पर एक बदतमीज लड़का बाइक लेके नो एंट्री में घुसा है सर, और सर उसे टकराना ही था तो मेरे ही ऑटो से। खुद को रॉन्ग होते हुए भी राइट समझ रहा था सर, तो जाहिर है इसमें तूतू मैमे तो होनी थी ना, और सर तूतू मैमे में टाइम तो वेस्ट होना ही था, और सर टाइम वेस्ट में मुझे तो लेट होना ही था ना सर। मैं जानती हूँ कि मेरा इंटरव्यू का टाइम निकल चुका है, लेकिन आप चाहें तो अभी भी मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं सर। ओए होए होए, यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड बगैर इंटरव्यू के? यार अभी तक जो तू दे रही थी वो इंटरव्यू तो था। अरे हमें तेरे ही जैसी डायनेमिक सोनी वो एंकर की जरूरत है। हैं, क्या कुड़ी है यार। थैंक यू सर, थैंक यू। यार जिराणी देखने की मारेगी यार। थैंक यू सो मच। कितना लकी है ये मेरे लिए, बिना इंटरव्यू की नौकरी मिल गई। लकी के साथ साथ हैंडसम भी है, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करूं, कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, जॉब मिला? नो, लेट हो गई। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। लेकिन आप मेरी जान कब छोड़ेंगी? मैं तो घर पर बोलकर भी नहीं आया हूँ, और मुझे अपनी दुकान पर भी तो जाना है। दुकान? काहे की दुकान चलाते हो? अरे बाबा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान है। ए, हेलो, ए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? हाँ, अब मैं चलूँ? चाबी दो। देखो, मेरे पूरे महीने के पैसे उस पर्स में थे, महीना खत्म होने में पूरे 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में अगर मुझे कहीं भी जाना होगा, तुम्हें अपनी बाइक लेकर आना ही होगा। क्या, मेरे काम धंधे का क्या होगा? और मेरा क्या होगा, क्या मैं सड़क पर खड़ी होकर भीख मांगूंगी? देखो, मैं बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ, मेरा भेजा मत खाओ। अब जान में जाना ही, बड़ी भूख लगी थी। लेकिन तुम मेरी जान कब छोड़ोगी? तुमने कुछ कहा? मैं कह रहा था तुम्हारे उस पर्स में 5 दिन के लिए कितने पैसे थे? यही कुछ 1200-1300। तुम मुझसे 1500 ले लो, लेकिन मेरा पीछा तो छोड़ दो। ए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, इन 5 दिनों में अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो तुम्हें 3000 दे दूंगी, नहीं तो 1 तारीख को घर से मनी ऑर्डर आ जाएगा, जितने तुम्हारे खर्च होंगे उतने दे दूंगी। ओफो, अब मुंह ठीक भी करो। एक बात बताओ, अगर एक लड़की थोड़ी सी परेशानी में है तो क्या तुम उसकी जरा भी मदद नहीं करोगे? ये हुई ना बात। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसे की तो तलाश है। तेरा मेरा नाता अब कभी ना टूटे, सांसों का ये बंधन अब कभी न छूटे।
मेरे पेपर दो। नीता पेपर दो ना। फॉरेन में रहकर भी तेरी ये मेंटालिटी। बचपन से उसे प्यार करती है जिसका ना कोई अता ना पता और ना कभी मिलने की उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि वो मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। क्यों आई हो? कमाल है, ग्राहकों से क्या इस तरह से बात की जाती है? पागल हो गया तुम। किराक तो देवी देवताओं के रूप होते और तुम इस देवी के साथ ऐसे बात कर रहे हो जो कि श्री देवी जैसी। इसको छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं देवियों का भक्त हूं। मुझे बोलो ना, कैसे कर सकता हूं मैं आपकी सेवा? मेरा गिटार टूट गया है, इसे ठीक करवाना है। कमाल है, देख मुझे रही है, देख इधर रही है। इतनी बेरहमी से बजाओगी तो बेचारा टूटेगा ही ना। वो क्या है ना, मैं बजाना सीख रही हूँ। तो किसी अच्छे आर्टिस्ट से सीखो ना। तुम सिखाओ ना। मेरे पास टाइम नहीं है, अगले हफ्ते आओ और लेकर जाओ। पर मैं तो अभी ले जाने आई हूँ। ये क्या कोई चप्पल है जो मैं कील मारकर अभी दे दूँ? इसे नहीं, तुम्हें। मुझे? हाँ, भूल गए, मैंने कहा था ना मेरे पास पैसे नहीं है। तुम मुझे अभी की अभी वर्ली लेके चलो। बस बस बहुत हो गया, परसों भी तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। कभी चरनी रोड, कभी वर्ली, कभी कार्टर रोड, कभी आथर रोड, परेशान हो गया मैं तुमसे। तुम्हें परेशान करने का शौक मुझे भी नहीं है, मजबूरी है मेरी। अब तुम मुझे जल्दी से वर्ली लेके चलो, मुझे देरी हो रही है। अच्छा, तो आज तुम्हें वर्ली जाना है? यस। क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं? यस। ओके विकी, यस यस यस, इसे जाकर वर्ली छोड़कर आ जाओ। यस नो, यस यस, तुम्हें जाने से ही मतलब है ना, तो ये तुम्हें छोड़कर आ जाएगा। यस, एक्सक्यूज मी, देखो ये तो तुम्हें सिर्फ छोड़ने की बात कर रहा है, मैं तो तुम्हें वापस भी लेकर आऊंगा। चल ना, चल ना, जाओ जाओ वरना लेट हो जाओगी। चल ना, ठीक है, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हेलो, बैठ जा, दोनों पैरों को ना दोनों तरफ रखकर बैठना, क्योंकि मैं प्लेन की तरह बाइक चलाता हूँ। आ ना, बैठना। मैं बैठना, कुछ क्या है? वर्ली चलो। अच्छा सुनो, वर्ली नहीं आता, मेरे कमर को ना कस के पकड़ा पकड़ा, थोड़ा और करीब आओ। बाय 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 बाय। ये ऑटो में गई तो मेरे पीछे कौन संभाल है? अरे हाय, रोता क्यों है, छोड़ ना सीधे तक मेरे ऋषि कपूर। ये है मुंबई का बैंडस्टैंड, इसे यहाँ का लवर्स पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ मौजूद लोगों से आज हम प्यार के बारे में बात करेंगे। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा जी, पीते ही मस्ती छा जाए। तुझे कितनी बार मना किया है कि काम के वक्त टीवी में देखा कर। अरे मैं तो टीवी पर भी अपने क्रैक को देख रहा हूँ। हेलो, हाय, वो देख अपनी गिटार वाली श्रीदेवी। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? या रोहित, राहुल, नितिन, रॉकी, इतने ज्यादा लोगों से? इतने ज्यादा का है, 6 या 7 ही तो है। मतलब इसको नौकरी मिल गई? मिल गई, झूठी कहीं की मिल गई। मैं ऐसे अभी, एक्सक्यूज मी, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? बहुत, मगर मेरे एक झूठ बोलने से वो नाराज हो गया। कैसा झूठ? सॉरी, मैं बता नहीं सकती। कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर झूठ बोलने से बात बिगड़ जाती है, संभलती नहीं। जैसे झूठ बोलने से तुम्हारी बात बिगड़ गई। मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुनिए मुझे, जब तुम्हें नौकरी मिल चुकी थी तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? करण, मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया तुमने। What? मैंने? हाँ तुमने, तुम्हारी शराफत ने, तुम्हारे अच्छे कैरेक्टर ने और तुम्हारे इनोसेंट फेस ने मेरे दिल को मजबूर किया कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूं, तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं। अगर मैं तुम्हें उसी दिन सच्चाई बता देती तो तुम भाग जाते करण, और मैं तुम्हें भागने देना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, बोलो।
जवाब दो, चुप क्यों हो? बातों में तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो तुम मुझसे दोस्ती रखोगे ना? मजबूरी है, क्योंकि आसानी से तो तुम मेरा पीछा छोड़ने वाली हो नहीं। सच बताऊं, मैं एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती। पूजा, हम लोग तुम्हें मिस बहुत करेंगे। मिस तो मैं भी आपको बहुत करूंगी। हाँ, लेकिन इंडिया पहुँचते ही खबर जरूर कर देना हमें। जी अंकल। पूजा, मैंने हमेशा ही तेरे बचपन के प्यार का मजाक उड़ाया है। जाते जाते भी उड़ाना चाहती है? अरे नहीं यार, मैं तो बस तुझे अपने दिल की एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? यही कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुझे तेरे बचपन का प्यार मिल जाए। रियली? हाँ यार, लेकिन तुझे एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। क्या? तेरे बचपन का प्यार तुझे जैसे ही मिल जाए ना, उसे बताने से पहले मुझे पहले बताएगी। ठीक है। पक्का? भूला नहीं यार। अरे बातें ही करती रहोगी या एयरपोर्ट भी जाओगी? टाइम हो रहा है फ्लाइट का भाई। पूजा बेटी, हाउ आर यू? आप मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए? आई एम सॉरी पूजा, एज यूजुअल मीटिंग में फंस गया। दैट रिमाइंड्स मी, टुमारो 10:30 खुराना, डोंट फॉरगेट। यस सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? इंडिया आने की और आपसे मिलने की खुशी में सफर का पता ही नहीं चला। तुम जाके आराम करो, मैं ऑफिस जाता हूँ। okay. और हाँ, विल डू डिनर टुगेदर। ओके, बाय बाय। करण, आई एम सॉरी, हर साल मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकी, लेकिन कल से वही छुट्टियों के दिन शुरू हो रहे। मेरा इंतजार करना, कल मैं आ रही हूँ। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो करण बेटे। अरे हाँ, थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। पिंकी, किधर है वो? थोड़ी देर मंदिर में बैठी रही, इधर उधर घूमती रही, कुटिया के पास भी बैठी रही और फिर चली गई। कितनी देर पहले गई पंडित जी? थोड़ी देर पहले गई है बेटे।
पूजा, तेरा करण तुझे मिल गया है ना? Oh, really, Pooja, I'm so happy for you. अच्छा ये बता, जब तू उसे पहली बार मिली होगी तो खुद को रोक नहीं पा रही होगी, लेकिन तुझे मेरे वादे ने रोक लिया होगा. नीता, ऐसा कुछ नहीं हुआ. क्या मतलब? मैं वहां गई थी मगर वो मुझे नहीं मिला. वहां मैंने उसे काफी ढूंढा, लेकिन फिर तू उसे अब कैसे ढूंढेगी? मैंने अपनी बचपन की कहानी लिखी है, मैं इसे मैगजीन में जाकर छपाऊंगी. वो ये कहानी पढ़कर जरूर आएगा. अरे पागल हो गई है? तुझे पता है आजकल के जमाने में 10% लोग भी मैगजीन नहीं पढ़ते. मैं 10% चांस भी नहीं मिस करूंगी. ओ जी, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी कहानी जरा हटके है. यस सर. वो तुमसे पहले भी दो राइटर यही कह रहे थे, वो पढ़ने के बाद कहानी से ज्यादा वो हटके लगे. सर, ये कहानी आम कहानियों की तरह नहीं है. इसमें मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई एक रियल लव स्टोरी है. इसमें मेरा सच्चा प्यार है सर. अच्छा अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो क्या? ये एपिसोड 1 का टेप. दूसरों का प्यार झूठा है और तुम्हारा प्यार सच्चा है, है? दूसरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, बस अपने बारे में कह सकती हूँ कि मेरा प्यार सच्चा है. कहाँ से आई हैं आप? जी बचपन से अब्रॉड में थी, कुछ दिन पहले आई हूँ. यानी अब्रॉड की लव स्टोरी इंडिया पे चिपकाना चाह रही हैं आप? थैंक यू सर. नहीं सर, कहानी इंडिया की है. अच्छा, कहानी इंडिया की है. आप बचपन से अब्रॉड में हैं, तो आपने अब्रॉड में अपना दिमाग का इलाज नहीं करवाया? आपका मतलब है मेरा दिमाग खराब है? हाँ, और अब आप मेरा दिमाग खराब करने पर तुली हुई है. देखिए, आप मुझे गुस्सा मत दिलवाइए. गुस्सा आता है, मेरा प्रेशर पड़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, और उसका जो खर्चा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा. सर प्लीज, मेरे लिए इस कहानी का छपना बहुत जरूरी है. ओहो, जाइए जी जाइए, मुझे और भी काम है. क्या है वो अपने आप को? एडिटर है. इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कहानी को बकवास बोले. कहता है मेरा दिमाग खराब है. दिमाग तो उसका खराब है जो मेरी कहानी को बकवास बोलता है. ठीक है, मत छापे, मगर मेरी कहानी को बकवास बोलने का उसे कोई हक नहीं है. उसे क्या पता कि ये कहानी मेरा सब कुछ है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है. लाइए अपनी ये जिंदगी मेरे हवाले कर दीजिए. घबराइए नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगी. लेट्स गो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ओए ओए, तू इतने की कर रही, शूटिंग में नहीं गई? अभी नहीं सर. सर, आपको अपनी मैगजीन के लिए एक रोमांटिक कहानी की जरूरत है ना? ओहो, उसी कहानी की वजह से तो मेरे मैगजीन का प्रिंटिंग रुका पड़ा है. यार कमाल कर दिए. सर, मैंने भी एक कहानी लिखी है. ओए, तूने लिखी है? जी हाँ, पसंद आए तो छपवा दीजिएगा. अच्छा, तो यार उसके लिए तो पढ़नी पड़ेगी. एक मिनट यार, देख लें यार, इमरजेंसी है. ये कहाँ?
तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई। थैंक यू सीमा, तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। कमान यार, दोस्ती में कैसा एहसान। चलो एडिटर साहब बुला रहे हैं। ओ पुत्र, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ओ बहुत बढ़िया कहानी है, हाँ बहुत बढ़िया कहानी है, पर यार अधूरी है, वो क्लाइमैक्स ही नहीं लिखा है। सर क्लाइमैक्स अधूरा है। ओ यार, पर क्लाइमैक्स ना हो तो कहानी भी तो अधूरी रह जाती है ना। सर ये कहानी आपके मैगजीन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अच्छा, वो कैसे? सर आई एम श्योर ऑडियंसिस को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और उन्हें इसके क्लाइमैक्स का बेचैनी से इंतजार रहेगा। और जब आप नेक्स्ट एडिशन में इसका क्लाइमैक्स छापेंगे तो देखना ऑडियंसेस आपकी मैगजीन लेने के लिए टूट पड़ेगी। सच? सर आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा, ओ यार गुडनेस एंड आसकास, नेकी और पूछ, वो मैं अभी छाप देना इसे। पढ़ोगे तुम कहानी? एक्सक्यूज मी। यस सर, आपके पास P9 की मैगजीन है? हाँ जी है। ये भैया, ये मैंने अपने पढ़ने के लिए मंगाया था। ओहो, मैं तो ये देख रहा था कि जिस कहानी को पढ़ने के लिए तू इतनी बेचैन हो रही थी उसमें ऐसा है क्या? तो पहले मुझे पढ़ने दो ना, फिर मैं आपको दे दूंगी। ओके, फिर आप आराम से पढ़ते रहना। ओके। कुछ मंगाना है क्या? नहीं नहीं, कुछ मंगाना नहीं है। हाँ। आप बस मेरी कहानी सुन लीजिए। डैडी क्या कहानी है। पूजा है, नई राइटर है, बहुत अच्छी राइटर है। डैडी क्या कहानी लिखी। आई लव हर डैडी। आप सुनिए, कहानी बचपन से शुरू होती है। एक मिनट, बचपन में खत्म हो जाती है ना? नहीं नहीं, जवानी तक जाती है। जवानी तक नहीं बेटा, मेरे बहुत अर्जेंट काम है, मैं इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता, मेरी मीटिंग है। तो एक काम कर, तेरी माँ को कहानी सुनाना। क्या डैडी, मम्मी के पास भी टाइम नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं, मेरी कहानी कोई नहीं सुनता। शॉर्टकट बताता हूँ ना, तेरा भाई एकदम फालतू पड़ा, जाके पूरी कहानी सुना उसको। आइडिया है? बहुत अच्छा आइडिया, थैंक यू। बच गया, मेरी मीटिंग जा रही थी। भैया, 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 कहाँ थे आप भैया? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। देखो ना भैया, कोई मेरी कहानी नहीं सुनता। आप सुन लो, आओ ना भैया, आओ ना भैया, कब 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 बैठो। और जब तक मैं ना कहूँ ना, आप प्लीज यहाँ से हिलेगा नहीं। मेरी पूरी कहानी सुन लो। हाँ ओके। कहानी का टाइटल है जीना सिर्फ मेरे। ये वादा बचपन में पिंकी ने करण से किया था और करण ने पिंकी से। What a coincidence, आपका भी नाम करण है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत हिल स्टेशन से, जहाँ पर पिंकी अपने डैडी के साथ हर साल स्कूल की छुट्टियां मनाने आती है। वहाँ उसकी मुलाकात करण से होती है और दोनों गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पिंकी के जाने के बाद करण का तो बस एक ही काम रहता है, पिंकी का इंतजार करना। क्लाइमैक्स तभी पूरा होगा जब ये दोनों मिलेंगे। आप भगवान से प्रार्थना करना भैया कि ये दोनों मिल जाए। हाँ भैया, है ना अच्छी कहानी? बहुत अच्छी कहानी है भैया, बहुत अच्छी कहानी है। ओह
थैंक यू वॉकमैन, आज तूने मेरी जान बचा ली। चैनल सिंह की 16वीं सालगिरह, बल्ले बल्ले ओ बल्ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर जरूर, थैंक यू जी। ओ जी आप खाना खाके जरूर जाइएगा। जी बिल्कुल। दिल जिसके तसव्वुर में घिरा हो, दिल जिसके तसव्वुर में घिरा हो, अगर वही सामने आ जाए तो क्या हो। किधर हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना है। नमस्ते। 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 अरे वाह मल्होत्रा साहब, क्या बढ़िया घर है। सिंपल एंड ब्यूटीफुल है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस, वेरी नाइस। वाओ, कितनी अच्छी लग रही मेरी बहन। अरे लड़का तो तुझे देखते ही पागल हो जाएगा। भैया मुझे डर लग रहा है। क्यों? वो मेरी फ्रेंड है ना पायल, उसकी बहन की शादी तय हो गई थी, बहुत खुश थी वो। लेकिन शादी के एक ही दिन पहले लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। शी कुडंट टेक इट, उसे सुसाइड कमिट कर लिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैं भी पागल हो गई है क्या? खबरदार जो आइंदा ऐसी बात सोची। हाँ प्रिया बेटी चल ना, करण तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले, चल जल्दी कर। अरे माँ मैं अभी गया और अभी आया। हाँ, आ बेटी माँ, आ ना, बहुत प्यारी लग रही, आ जा, घबरा मत। हाँ आ बेटा, ये मेरी बेटी। नमस्ते बेटे। नमस्ते। आइए बैठिए। आ बेटी बैठ। बहुत सुंदर है ना। भाई मल्होत्रा साहब जी, हमें हमारी बहू बहुत पसंद है। शुक्रिया सर, ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख लेने वाली बात थी, वरना मुझे तो अपने बेटे के लिए एक ऐसा परिवार चाहिए जो आप जैसा खानदानी और शरीफ हो। वरना तो जी इसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए जी, लेकिन बाद में पता कराया तो कहीं पे कोई भाई गुंडा निकला, कहीं पे कोई बाप गलत निकला। तो जी मैं तो ऐसा रिश्ता नहीं चाहता जहाँ लोग इस तरह के हों। सही बात। अरे आ बेटा, ये मेरा बेटा। अच्छा। तुम? ये गुंडा मवाली आपका बेटा? कैसी बात कर रहे हैं आप सर, ये बहुत शरीफ और नेक बच्चा है। अरे जनाब, इसकी शराफत मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं जब इसने मेरी कार तोड़ी थी। ये क्या बोल रहे हैं बेटा? डैडी वो गलती से। गलती से? गलती शरीफ लोग करते हैं, गुंडे नहीं। चलो भाई चलो, हमें इनके यहाँ कोई रिश्ता नहीं करना। अरे अब चलो भी। सर सर प्लीज, मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। आप ये रिश्ता तोड़कर मत जाइए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरी बहन बहुत अच्छी है सर। करण, करण ये तू क्या कह रहा है? अरे आज सर रुकिए प्लीज,
आपको यही एतराज है ना कि मैं इसका भाई हूं? तो मैं आपको सच्चाई बताता हूं, मैं इसका भाई नहीं हूं। करण! बोलने दीजिए डैडी, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। इतना अच्छा रिश्ता मैं अपनी वजह से नहीं जाने दूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए सर, मेरे माता पिता तो बचपन में मर गए थे, इन्होंने मुझे सहारा देकर पाला पोसा है, मुझे अपना बेटा समझते हैं, लेकिन मैं इसका भाई नहीं हूं, मैं इसका भाई बिल्कुल नहीं हूं। तो तुम सिर्फ गुंडे और मवाली ही नहीं बल्कि अनाथ और लवारिस भी हो। बहुत बोल चुके तुम, मेरे बेटे से बहुत ज्यादा बुलवा लिया तुमने। अरे तुम जैसे घटिया लोगों को मैं अपने घर की दहलीज पर खड़ा रहने नहीं देता। बेटी देना तो दूर की बात है। Get up! I said get up! अच्छा, अरे तू क्या मुंह फिरा के बैठा है? ले भाई तेरे गिलास बाकी है अभी तो। डैड, आप तो जानते हैं मैं शराब नहीं पीता। मैं जानता हूँ कि तू शराब नहीं पीता, मैं तेरे पिलाने के चक्कर में मैं पूरी बोतल पी गया और तूने अभी तो छुआ तक नहीं। ले कौन 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 पीना, चल स्लो स्लो पीना होता तो पीजे ना। कौन शाबाश, ये थोड़ा सा ओ ले 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 ले, आई नो इट्स बैड, वेरी बैड। एक बाप के लिए बेटे को पिलाना अच्छा नहीं है, मगर बैड वर्ड। अभी तू तेरे दिल पे हाथ रख के बता मैं कौन हूं। डैड। डैड, और तू मेरा कौन है? बेटा। तो तूने खन्ना के सामने ये क्यों कह दिया कि तू तू मेरा बेटा नहीं है? डैड, हालात से मजबूर होकर मैंने ये कह दिया। हालात से मजबूर होकर? हालात से मजबूर होकर एक बेटा अपने बाप को बाप मानने से इनकार करता है? हालात से मजबूर होकर लोग क्या रिश्ता तोड़ देते हैं? इससे तो बेहतर था कि तू मेरे सीने में खंजर भोंक देता। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था डैड। क्या दुख नहीं पहुंचाना चाहता था? तूने मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि आज तक तूने मेरे प्यार में जरा से भी कमी पाई? कभी नहीं। तो फिर क्यों? मैं वादा करता हूँ डैड, ये शब्द मेरी जुबान पर फिर कभी नहीं आएंगे। दोबारा अगर ये शब्द तेरी जुबान पर आए या तेरी जुबान से निकले तो तेरा ये डैड दुनिया से निकल जाएगा, याद रखना। नो, नेवर। चल घर चल, उठा मेरे को। अरे अभी तो मैं उठ भी नहीं सकता यार। अरे अपनी कार कहाँ है? हाँ डैडी, गाड़ी इस तरफ है। किधर? अरे ये गाड़ी क्या पी हुई है उधर? एक काम कर, ड्राइविंग मैं करूँगा। नहीं डैडी, गाड़ी गाड़ी मैं चलाऊंगा। पागल तेरे हो गई है, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, बहुत सेफ। नो डैडी, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। तेरी मर्जी है भाई, तो चल ठीक। मैं इधर बैठता हूँ। ये कौन सी जगह है, डिक्की तो नहीं? नहीं, चला भाई। ओहो हो, डैडी स्वीट ठीक है ना? हाँ बहुत ठीक है। वो खन्ना मिले तो उसको कुचल देना। मैं शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरी बीवी मुझे तंग करती है। क्या आपकी बीवी आपको बहुत परेशान करती है? हाँ बहुत परेशान करती है। क्यों क्यों? क्योंकि मैं पड़ोसी की बीवी को परेशान करता हूँ। क्यों क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। चलो मैं चलता हूँ। सीमा, तुम्हारा भी जवाब नहीं, यू आर टू गुड। क्या नए नए आइडियाज आते हैं तुम्हारे दिमाग में? शराबियों का ये शो भी हिट है। चलो बहुत शराबियों के इंटरव्यू हो गए, अब पैकअप करते हैं। सीमा वो देखो, खड़ी गाड़ी में दो शराबी चले आ रहे हैं, चलो इनसे भी मिल लेते हैं। अरे ये तो करण है। करण, आर यू फाइन? करण,
करण, आर यू ओके? करण, आर यू फाइन? प्लीज हेल्प मी, इसे मेरी कार में ले चलो प्लीज। आपकी कहानी अच्छी लगी। थैंक यू। और क्लाइमैक्स थोड़ा वक्त लगेगा। ओके ओके, बाय बाय। बॉयफ्रेंड से? बॉयफ्रेंड कौन? करण, उस दिन पार्टी में मैंने तुम्हें मिलवाया था उससे। करण, सच में पूजा बहुत अच्छा लड़का है। आई रियली लव हिम। तुम्हारा प्यार कब से है? जब से वो और मैं मिले, और पहली ही मुलाकात में मैं उसे अपना दिल दे बैठी। बात बताओ पूजा, टाइम की वजह से मैं तुम्हारी लव स्टोरी नहीं पढ़ सकी, पर क्या ये तुम्हारी रियल लव स्टोरी है? कौन है वो? था। मतलब? अब किसी और का हो गया है। कमाल है, ये जानते हुए भी कि वो किसी और का हो गया है, फिर भी तुमने अपनी लव स्टोरी ली। इतना ज्यादा प्यार करती हो तुम उससे? बहुत ज्यादा। रियली पूजा, तुम्हारा प्यार बहुत ग्रेट है, मगर वो नहीं जो तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं सका और किसी और का हो गया। But I'm sure, मेरा करण मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। भगवान करे तुम्हारे साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, चलती हूँ। बाय। क्या? ये घड़ी तुम्हें कहां से मिली? कल रात को तुम्हें होश ही कहां था। अरे सीमा, सीमा इस वक्त तुम कहां पर हो? सेंट्रल लाइब्रेरी। तुम वही ठहरो, मैं अभी पहुंचता हूं। करण, तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूं। आई लव यू करण, आई लव यू। और आज मैं तुमसे कह दूंगी, आई लव यू वेरी मच। सीमा, प्लीज ये घड़ी मुझे दे दो। एक मामूली सी घड़ी के लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो? ये मामूली नहीं,
इसमें मेरी धड़कनें छुपी हुई हैं। ये मेरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, चाहू तो जिंदगी भर ना छोड़ू। नहीं, अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें मेरा प्यार छुपा हुआ है। प्यार? बचपन में मैं और पिंकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तब उसने मुझे निशानी दी और फिर अचानक ही हमें बिछड़ना पड़ा। तब से लेकर आज तक मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अगर वो तुम्हें ना मिली तो? जरूर मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मेरे प्यार को मेरे सामने आना ही होगा। हमने बचपन में एक दूसरे से वादा किया था। कैसा वादा? जीना सिर्फ मेरे लिए, और मैं सिर्फ उसी के लिए जी रहा हूं। क्या कहा? तुम वापस अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती हो? जी पापा। लेकिन तुमने ही तो फैसला किया था कि अब तुम यहीं रहकर पढ़ोगी। जी हाँ, लेकिन यहाँ रहकर मैंने बहुत कुछ देखा और ये फैसला किया कि यहाँ रहकर मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता। कैसा मकसद? मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। वेरी गुड, हमें तो खुशी है कि हमारी बेटी की ऐसी सोच है। हेलो। हेलो पूजा, मैं सीमा बोल रही हूँ। पूजा, तुम्हें कल शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना है, भूलना मत। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्या? मैं कल अब्रॉड जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। प्लीज पूजा, मेरी खातिर। ओके बाय, टेक केयर। और कोई रोमांटिक गाना सुनाओ। हैप्पी बर्थडे सीमा। थैंक्स पूजा। तुमने अपने बॉयफ्रेंड को फंसाई दिया ना? वो मेरा नहीं, किसी और का बॉयफ्रेंड है। लेकिन तुमने तो उस दिन कहा था कि वो मेरी गलत फहमी थी पूजा। बचपन से ही करण किसी पिंकी को चाहता है, सालों से वो उसकी दी हुई घड़ी को अपने सीने से लगाए उसके मिलने का इंतजार कर रहा है।
बीती जाए ये खुमारी अपनी। इस जहां से प्यारी दोस्ती हमारी, नाम दोस्ती के अपनी उम्र सारी। सिर्फ मेरे लिए जीना, सिर्फ मेरे लिए कसम से जीना, सिर्फ मेरे लिए जीना, सिर्फ मेरे लिए। पकड़ के साथ साथ चलना, चाहे बदले मौसम तुम नहीं बदलना। तेरा मेरा नाता अब कभी न टूटे, सांसों का ये बंधन अब कभी न छूटे। सिर्फ मेरे लिए जीना, सिर्फ मेरे लिए कसम से जीना, सिर्फ मेरे लिए जीना, सिर्फ मेरे लिए। पूजा, तूने मुझसे वादा किया था, उसे बताने से पहले तू मुझे बताएगी। सच्चे प्यार की जीत हुई, मुझे मेरे बचपन का प्यार मिल ही गया। और देख, मैंने अपना वादा भी निभाया, उसे बताने से पहले मैं तुझे बता रही हूँ। क्या सच? कैसा है वो? दिखने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। जानती है, जितना मैं उसे चाहती हूँ उतना ही वो मुझे चाहता है। जितनी बेताबी से मुझे उसका इंतजार था, उतनी ही बेताबी से उसे मेरा इंतजार था। लेकिन उसे बताऊंगी नहीं कि मैं ही पिंकी हूँ। जिस प्यार को पाने के लिए मैं आज तक तड़पी हूँ, उसके करीब रहकर अब उसकी तरफ को देखना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ। करण, मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया। अब जब तक तुम मुझे ढूंढ कर आई लव यू नहीं कहोगे, तब तक मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं ही पिंकी हूँ। मुझे इंतजार रहेगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। आप क्या यहाँ वैलेंटाइन कार्ड खरीदने आए हैं?
आज वैलेंटाइन डे है तो जाहिर है वही खरीदने आऊंगा। और आप? जाहिर है मैं भी वही खरीदने आई हूँ। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? है भी और नहीं भी। मेरा मतलब है जिस दिन वो मेरे सामने आ जाएगी तो जमा के सारे वैलेंटाइन डे कार्ड उसे दे दूंगा। आपका बॉयफ्रेंड कौन है? सामने है जी। मेरा मतलब है कि जिस दिन वो मेरे सामने आ जाएगा जमा किए हुए सारे वैलेंटाइन कार्ड उसे दे दूंगी। इसका मतलब है आप और मैं एक जैसे ही हैं? जी नहीं, एक ही है जी। क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाया जाए। चलो। ओके। दूसरी मुलाकात में मैं आपको यहाँ ले आई, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुद ताज्जुब में हूँ कि किस अट्रैक्शन में आपके साथ यहाँ चला आया। हेलो, हमने आपकी P9 मैगजीन में छपी हुई कहानी पढ़ी थी। वाव, क्या लिखती हैं आप। थैंक यू। प्लीज आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। हम आपकी कहानी का क्लाइमैक्स जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। मैं भी अपनी कहानी का क्लाइमैक्स लिखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कब पब्लिश हो रही है? बस उसी पर काम चल रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। वो P9 मैगजीन में जो कहानी छपी है क्या वो आपने लिखी है? हाँ, मगर मुझे नहीं लगता है कि आपने पढ़ी है। नहीं, लेकिन मेरी बहन ने पढ़ी है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। आप उससे मिलेंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। प्रिया, हे प्रिया। क्या? पहचानो ये कौन है? पूजा। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। हाय पूजा। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही है? कुछ अक्ल है कि नहीं? सॉरी बेटा। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं इन्हें अंदर लेके जाऊं। हाँ, जल्दी लेकर जा, जल्दी से धुलवा इसको। ओह गॉड, पगली कहीं की। ये भैया का वॉशरूम है। थैंक यू, वेलकम। चल।
प्रिया ने तो उसका पूरा दिमाग चाट लिया होगा। जाओ उसको बचा ले, नहीं तो वो कहानी लिखने के लायक नहीं रहेगी। मैं भी देखता हूँ। अरे ये तो भैया का नाइट सूट है। कब? अरे मेरा स्लीपिंग सूट? वो क्या है ना, कपड़े खराब हो गए थे इसलिए। कोई बात नहीं, आओ चाय नाश्ता कर लो। नहीं नहीं नहीं, चलती हूँ। अरे कुछ खा के तो जाओ बेटा, फिर कभी जरूर आना। हाँ आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? श्योर। बाय। जा। अरे जाने दो जाने दो। चलो कर। अंदर नहीं आओगे? नहीं, फिर कभी। कपड़े पहुंचा दूंगी। जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर बिल्कुल फिट है। ओके बाय बाय। पापा वो? मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा बेटी, तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहता हूं। अपना ये शानदार बंगला मैं चाहता तो शहर के किसी भी एरिया में बनवा सकता था, मगर यहीं क्यों बनवाया? क्योंकि यहां की जमीन शहर की सबसे महंगी जमीन है। यहां रहकर अपना लेवल बनता है। अगर मैं चाहता तो ये फर्नीचर इंडिया में कहीं से भी बनवा सकता था, मगर इसे इटली से क्यों मंगवाया? दुनिया की बेस्ट फर्नीचर कंपनी से क्यों? सिर्फ लोगों में अपना लेवल बरकरार रखने के लिए। आओ पूजा। बेटी, आई ओनली बिलीव इन द बेस्ट। ये सब गाड़ियां टॉप ऑफ द रेंज और लेटेस्ट मॉडल की हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इनमें बैठ के जो भी आएगा उसकी हैसियत और उसका लेवल अलग से ही नजर आएगा। मैं तुम्हें इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें ऑक्सफोर्ड क्यों भेजा? बिकॉज ऑक्सफोर्ड इज द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी। तुम्हारे डिग्री सर्टिफिकेट पे ऑक्सफोर्ड का लेबल लग गया है, द वेरी बेस्ट। पूजा ये कपड़े बदल दो। रोना नहीं, मम्मी की तरह मुस्कुराओ। लाओ मैं काटती हूँ। हेलो माँ जी, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता था ना, अब आप खुद यहाँ आकर अपनी से देखिए। क्या देख लूं? बाबूजी अपनी फैमिली नंबर वन को छोड़ के फैमिली नंबर दो के साथ सामने बैठे। हाँ? मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। माँ जी जो कुछ भी करना है ना आपको करना है। ओवर एंड आउट। अबे इतने गौर से क्या देख रहा है? आज मैं देख रहा हूं, कल पूरी दुनिया देखेगी। क्या मतलब? वो देख। अरे तो वही है, लेकिन ये डैडी की गोद में बच्चा कौन है? उनकी दूसरी औलाद और तेरा छोटा भाई। क्या बकवास कर रहा है? अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी तुझे यकीन नहीं हो रहा? वो देख 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 देख। अरे इतने
प्यार से तो कभी तुझे भी अपने गोद में नहीं खिलाया होगा जितने अपने बेटे नंबर दो को खिला रहे वो। तू रोना नहीं है करण, मगर तू तो गया काम से यार, तेरे जायदाद का हिस्सेदार आ गया रे, क्या भरोसा कि वो अकेला हो सकता है दूसरे को घर पे छोड़ के आया हो, तीसरा हो वेटिंग लिस्ट, चौथा रुको रुको यही रुक, ये लो। माँ, माया कैसे आ गई, मैंने बुलाया। अरे अरे तेरा भला हो, ठीक कर दिया ना, शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अब पता चला तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं और छुट्टी के दिन तुम कहाँ जाते हो। गायत्री, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कितनी बेवकूफ थी मैं, कितनी पागल थी मैं, जो आज तक तुम्हें देवता समझकर पूछती रही और तुम सौतन रखकर बच्चे पैदा कर रहे हो। बहन, तुमने इस देवता पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया है। खबरदार, जो मुझे बहन कहा तो तेरे लिए तो ये देवता ही होंगे ना। हाँ, मेरे लिए भी और इस जैसे हजारों सैकड़ों मासूम अनाथ बच्चों के लिए भी जो महेंद्र भैया की वजह से मेरे अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। अब इस मासूम की ही बात लीजिए, कल रात इसे कोई अनाथ आश्रम के गेट पर छोड़ गया और आज मैं इसे महेंद्र भैया को दिखाने के लिए ले आई। क्या? हे भगवान, उसे कितना बड़ा पाप हो गया कि मैंने आप पर शक किया। मुझे माफ कर दीजिए बहन, मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। कसूर तुम्हारा नहीं है, दरअसल कसूर उसका है जिसने तुम्हारे कान भरे हैं। कोई बात नहीं, इसको तो मैं देख लूंगा। डैडी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये रिश्ता हमें मंजूर। हमारा कोई शर्मा जी। लीजिए, अब हम बन गए समधी। मल्होत्रा साहब जी, होली के बाद शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं। होली में दिन ही कितने बाकी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हाँ? 2 दिन बाकी हैं। है? अरे हंसो यार। रंगों की बौछारें लाई होली है आई, रंगों की बौछारें लाई होली है आई। होली मुबारक। तुम्हें मुबारक हो। हैप्पी होली। नहीं, मैं होली नहीं खेलती। अच्छा, कम से कम मेरे गालों को कर दो लाल। लाल मैं अपने हाथों से कर देता हूँ लाल। करण कहाँ है? करण, उसे तो रंगों से सख्त नफरत है। फिर भी कहाँ है वो? भैया बेडरूम में है। हाँ। अच्छा, थोड़ा तो लगा ले। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं प्लीज। मैं समझा आप मेरी पिंकी हो। आप हंस क्यों रही हैं? मैं क्या जोकर लग रहा हूं? ये हाँ, ये आ बुरा ना मानो तो आज होली है। रंग चुनरिया तेरी गोरी, तू क्यों शर्माए, पीछे पीछे देख तेरा दीवाना चला आए। भागी भागी सरकी सरकी हाथ मेरे ना आ।
समझ लो, नहीं छोड़ा तो उम्र भर के लिए थामना पड़ेगा। आप तो हमारी बेटी पूजा को जानते ही हैं। वेरी वेल, लाखों में एक है। और हम भी आपके बेटे राहुल को जानते हैं जो करोड़ों में एक है। खुराना साहब, हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। फैंटास्टिक, तो मिला ये हाथ। नहीं डैडी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? राहुल हमारे दोस्त का बेटा है, वो अच्छी फैमिली का है, अच्छे सोशल स्टेटस का है, वो लोग हमारे लेवल के लोग हैं। डैडी बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो क्या है ना डैडी, बचपन से जिसे मैं प्यार करती आ रही हूँ वो मुझे मिल गया है। व्हाट? बचपन से प्यार? कौन है वो? जी करण। कौन करण? ध्यान कीजिए डैडी, आप मुझे हर साल मेरे स्कूल की छुट्टियों में हिल स्टेशन ऊटी रिलैक्स कराने ले जाया करते थे। वहां एक लड़का था, करण। करण वो लावारिस, वो अनाथ लड़का। वो अनाथ नहीं है डैडी, उसे एक बार फैमिली ने अपनाकर उसे अपना नाम दिया है।
उसे अपना बेटा बनाया है। नाम देने से या बेटा बना लेने से खून को नहीं बदला जा सकता। डैडी, करण का प्यार भी मेरे खून में है, जिसे मैं नहीं बदल सकती। चुप रहो पूजा, जस्ट कीप क्वाइट। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम्हारी जिंदगी के अहम फैसले तुम नहीं, मैं करूंगा। डैडी, मुझसे मेरा प्यार मत छीनिए। बहुत सालों की आराधना के बाद मैंने उसे पाया है। पूजा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी आर्ग्यूमेंट्स, नो प्लीडिंग्स। एक बात ध्यान से सुनो, अगर आज के बाद तुम्हारी जुबान पे करण का नाम आया तो मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। आई विल फिनिश हिम। तो एक बात आप भी सुन लीजिए डैडी, आपकी बेटी की जान करण में है। अगर करण को कुछ हुआ तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रहेगी। अगर किसी को कोई शिकायत हुई ना खाने की या किसी भी तरह की, तो मैं मार मार के तेरी 1.5 फुट की हाइट को चेंज के बना दूंगा, समझ गया? डैडी, अरे डैडी, मैं बोल आया। क्या? टेंट वाला जरात से ही सजावट शुरू कर देगा। अरे वेरी गुड बेटा। अच्छा एक काम कर। सुनील जी। हाँ, एक मिनट जी, फरमाइए। शर्मा जी से तो मिलाते ना। शर्मा जी से काहे के लिए? काहे के लिए क्या, हमने उनसे पूछा ही नहीं। अगर बारात का स्वागत हो किसी स्पेशल तरीके से करवाना चाह रहे हो तो। हाँ? हाँ? ये तुमने आखिरी मर्तबा अकलमंदी की बात कही है। आखिरी मर्तबा? हाँ, क्योंकि पहली मर्तबा में की नहीं थी, उसके लिए अकल चाहिए ना, और अकल तुम्हारे पास है ही नहीं। ए, तू क्या से आग लाकर और यहाँ क्या कर रहा है? इधर आ, चल इधर जाओ, लेडीज संगीत से किसी का चल, उधर जा, थाली लेके आओ। मैं इसकी माँ से कह के आया था जी कि शर्मा जी बहुत नेक आदमी है, कोई खास डिमांड नहीं करेंगे, पर आपने मेरी बात की लाज रख ली। थैंक यू वेरी मच सर। मगर मल्होत्रा साहब, ना आपने चाय पी ना कुछ ठंडा लिया। नहीं बस, आपके लिए शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया सर? जो दो लोग अभी अभी तुमसे मिलके गए वो कौन थे? वो मिस्टर मल्होत्रा सर, मैंने आपको बताया था ना कि राजेश की शादी पक्की कर रहा हूं, तो वो उन्हीं की बेटी है सर। जो उनके साथ एक लड़का था वो कौन था? वो लड़की का बड़ा भाई है करण। क्या हुआ सर? और हमारी मैनेजिंग कमेटी ने पूजा की कहानी की पॉपुलैरिटी को देखकर उस पर टेलीफिल्म बनाने का फैसला किया है। गुड सर। ओह वेरी गुड। और ऊपर से ये भी फैसला किया है कि ये प्रोजेक्ट तू हैंडल करेगी, तू बनाएगी। सर मैं? हाँ तू। सर मैंने तो अभी तक कहानी पढ़ी भी नहीं है। हैं? तो क्या बात कर रही है? तो जल्दी से पढ़ यार, आई वांट रिजल्ट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके सर। Okay, बाबा ठीक है, पर तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही हूँ करण, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। करण, तुम्हारे बचपन की पिंकी मिल गई है। What? पिंकी? किधर है? करण, पूजा ही तुम्हारी पिंकी है। ये देखो, ये स्टोरी उसने सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए लिखी है। पूजा मेरी पिंकी है। हाँ। Thank you.
हाँ डैड, तू फौरन घर आ जा बेटा। क्यों, क्या हुआ? ये एक अजीब सी अनहोनी हो गई है, तू घर आ जा बेटा। क्या हुआ करण? पता नहीं, मुझे फौरन घर जाना है। डैडी, माँ ये सब क्या हो रहा है? बेटा, तेरी बहन के हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ा भी नहीं था, हमारी खुशियों पर बिजली गिर गई। डैडी, माँ ये क्या कह रही है? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी का फोन आया था, उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। What? बेटा, किस किस को जवाब देंगे? लड़के वालों ने शादी के एक दिन पहले क्यों इनकार कर दिया? पर डैडी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यही मैं उनसे पूछ रहा था कि उन्होंने फोन बंद कर दिया। बेटा, तेरे बाप ने जिंदगी में एक ही चीज कमाई है, वो इज्जत। आज वो जा रही है। शर्मा जी, आपने शादी ब्याह को मजाक समझ रखा है? आप लड़के वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी इज्जत के साथ खेल जाएं। हम भी इज्जतदार हैं और आपको कोई हक नहीं बनता मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेलने। की शादी कराना चाहते हो तो तुम्हें पूजा को हमेशा के लिए भूलना होगा। फैसला तुम्हें इस वक्त करना है, तुम्हें अपना प्यार प्यारा है या अपनी बहन। हेलो। हेलो पूजा, करण है। हाय करण। पूजा, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। मुझसे क्यों? आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। दिल की बात? अच्छा, मैं मैरिड होटल में हूँ, तुम चाहो तो मुझे पुल से आके मिल सकते हो। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था।
और बर्दाश्त नहीं होता है करण, मुझे पता है तो मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हो। आई लव यू करण, आई लव यू, आई लव यू पूजा, आई लव यू टू। जब से मैंने तुम्हें पार्टी में देखा है पूजा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पार्टी में? हाँ पूजा, तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल सा बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे बिना जी ही सकता। लेकिन सीमा ने मुझे बताया था कि तुम अपने बचपन के प्यार सिर्फ पिंकी के लिए जी रहे हो। अरे वो तो मेरा बचपना था, बचपन में पिंकी से दोस्ती हुई, खेले कूदे और फिर भूल गए। मैंने पिंकी से कभी प्यार नहीं किया, बचपन में उसे मिला था। हो सकता है आज वो किसी और की हो गई हो, और फिर क्या मैं पागल हूँ जो उसे बिना देखे ही प्यार करूंगा? पता नहीं वो बदसूरत है, पतली है, मोटी है, मुझे क्या मालूम। इसका मतलब है तुम लड़की के दिल से नहीं सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार करते हो। बिल्कुल, अरे खूबसूरती से तो प्यार किया जाता है क्योंकि वो नजर आती है, दिल में झांककर थोड़ी देखा जाता है कि वो अच्छा है या बुरा। सच कहा तुमने, किसी के दिल में झांककर नहीं देखा जा सकता कि वो कितना बुरा है। अरे लेकिन तुम क्यों रोने लगी पूजा? पूजा नहीं, पिंकी। हाँ, तुम जिसे पूजा समझ रहे हो वो पिंकी है। काश मैं तुम्हें बचपन में ही समझ जाती कि जिसे मैं प्यार कर रही हूँ वो तो नफरत के भी काबिल नहीं है। अरे ये तो सब गड़बड़ हो गई, मुझे जरा भी पता होता कि तुम ही पिंकी हो तो मैं कभी प्रपोज ही नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, प्यार तो मैं तुम्हीं से करता हूँ ना, इसलिए मैंने तुम्हारे प्यार के निशाने को कभी अपने दिल से अलग नहीं किया। नहीं, तुम्हारी हकीकत अब मेरे सामने आ चुकी है, तुम कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, इसलिए किसी के प्यार की निशानी को रखने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुझे मेरी कसम, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। लाख लाख शुक्रिया, हम लोग बर्दाश्त से बच गए। अरे बेटा आ गया, ये तो चमत्कार हो गया, पता नहीं किसने चमत्कार किया। शर्मा जी ने खुद फोन किया। हाँ बेटा, फोन पे माफिया मांगी, गई इज्जत लौट आई। बेटा अरे बेटा जा, प्रिया से जाके मिल, उससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, जा जल्दी जा। प्रिया, मैं आती भैया।
पूजा, पूजा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी लव स्टोरी पर एक टेलीफिल्म बनाएं, इसलिए तुम इसका क्लाइमैक्स जल्दी से लिख के दे दो। I'm sorry सीमा, मैं क्लाइमैक्स नहीं लिख सकती, तुम किसी और से लिखवा लो। What? क्यों? सीमा, अगर मुझे पता होता कि मेरी लव स्टोरी का क्लाइमैक्स ऐसा होगा तो मैं अपनी लव स्टोरी शुरू ही नहीं करती। मैं कुछ समझी नहीं। बस ये समझ लो कि क्लाइमैक्स के पहले ही मेरी लव स्टोरी का एंड हो गया है। I can't write it. I can't write. I'm sorry. ये लो सारा सामान। हाँ हाँ, मिठाइयाँ और वो रहे फल फ्रूट, और कुछ चाहिए आपको? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। जी बता दूंगा। वीर, करण कहाँ है? वो बाहर गया है। वीर जी, तुम तो करण के बचपन के दोस्त हो, वो तुमसे कुछ नहीं छुपाता। करण और पूजा एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, और अब ये प्रॉब्लम। करण ने मुझे कसम दी है, मगर मैं उसकी खुशी चाहता हूं। वो पूजा के फादर ने तो सब प्रॉब्लम खड़ा किया है। क्या मतलब? करण की बहन की शादी जिस लड़के से हो रही है, वो पूजा के फादर के रैमो कर्म से पढ़ा लिखा है। उसका बाप भी उन्हीं के अंदर काम करता है, इसी का फायदा तो उठा पूजा के फादर ने। करण ने कर दी कुर्बानी अपनी बहन के लिए। यही सच है पूजा, मुझे मेरे प्यार पर गर्व है। मेरा करण इतना महान हो सकता है? सीमा, मैं अभी करण के पास जाना चाहती हूँ। कैसा लगा बेटी? मैंने यह हार स्पेशल ऑर्डर देकर टिफनी एंड कंपनी से बनवाया है। चलो सीमा। पूजा, कहाँ जा रही है? पूजा, घर छोड़ के करण के पास। पूजा, मिस्टर जुमी, आपने मुझे धोखा देकर मुझसे मेरे प्यार को छीना है। आज मैं हमेशा के लिए अपने प्यार के पास जा रही हूँ। पूजा, तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे और इस ऐश और आराम को छोड़कर उस लो लेवल की जिंदगी में जा रही हो? पापा, आपने ये शानदार बंगला शहर के सबसे महंगी जगह पर बनवाया है, ये आपके लेवल का होगा, मेरे लेवल का नहीं। और आपकी मर्सिडीज और पोर्श भी आप ही के लेवल की होगी, मेरे लेवल की नहीं। आपकी ये बेटी आपके नाम के लेवल की चीज को छोड़कर अपने प्यार के पास जा रही है। विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनयो हरि। फेरे संपन्न हुए, आज से आप दोनों सुख दुख के साथी पति और पत्नी हुए। करण, तुम्हें आने आना चाहिए था। करण, मुझे सब पता चल चुका है। मेरे डैडी ने हमें अलग करने के लिए कितनी गंदे चाली चली। शर्मा अंकल को दबाव में लेकर प्रिया की शादी तोड़वा दी और अपनी बहन की खुशियों के लिए अपने बचपन के उस प्यार को कुर्बान कर दिया जिसके इंतजार में आज तक मैं और तुम जी रहे थे। ऐसा क्यों किया भैया? मेरी शादी तो कहीं भी हो सकती थी, पर आपको अपना प्यार नहीं मिलता। करण बेटा, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी तूने। बेटा, किस जन्म का कर्जा उतारा है तूने? कैसी बात कर रहे हैं डैडी? औलाद तो सात जन्म लेकर भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकती। मैंने किसी पर कोई कर्ज नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अरे, तेरे फर्ज ने हमें हजार जन्म के लिए तेरा कर्जदार बना दिया। अगर आज मेरा अपना सगा बेटा होता तो भी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता था। डैडी, आप एक बात भूल रहे हैं,
आपने मुझसे वादा लिया था कि ये बात अपनी जुबान पर कभी न लाऊं, फिर आप आज कैसे ले आए? I'm sorry बेटा, मेरी जुबान से निकल गया। पूजा! हरामखोर, तू क्या समझता है? तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। तूने मुझे धोखा दिया है। धोखा तो आपने दिया है डैडी। क्या चाहते हैं आप ये सब करके? ऐसे करके आप अपनी बेटी को खुशियां देना चाहते हैं? नहीं, बल्कि अपनी बेटी की खुशियां लूटना चाहते हैं। पूजा, चलो मेरे साथ। पूजा, just come with me. जाती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन से फेरे? कैसे फेरे? अभी जो आपके सामने होने जा रहे हैं, पंडित जी मंत्र पढ़िए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु